So in the afternoon, you might feel a little hot. हाय गाइस, सो आपको पता चल ही गया रहेगा कि टाइटल और थंबनेल से तो ये वीडियो में क्या होने वाला है. सो स्टे ट्यून गाइस, तो अपन अभी वीडियो स्टार्ट करने वाले. हेलो एवरीवन, दिस इज अनमोल मी. सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट. सो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा अपना मुंबई ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि जैसे कि आपने मेरा स्टार्टिंग ऑफ माय यूट्यूब करियर आपने मेरा देखा रहेगा कि मैं जम्मू गया था. तो वो ब्लॉग के बाद मैंने आपको तुरंत आपको मैंने ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाया. उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया कि व्हाट टू कीप इन माइंड, क्या क्या ज़रूरी है. सो व्हाट इज़ द थिंग्स यू शुड कीप, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और ये सब. सो और मैंने जैसे कि नासिक भी गया था 2-3 महीने पहले, तो उसका भी मैंने जैसा मैंने आपको नासिक का भी ब्लॉग बना के दिखाया. उसके बाद मैंने आपको ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बना दिया. एंड इफ सेम गोज विद पुणे ऑल्सो. पुणे का भी मैंने ऐसे ही ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बना दिया. सो अगर आपने मेरा ये तीनों वीडियोस नहीं देखा तो मैंने इधर आई बटन में लिंक कर दिया, डू चेक आउट दैट ऑल्सो गाइस. सो चलिए अभी ये वाला वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मेरा माइंड में ये क्यों आया, बिकॉज कि मैंने आपको ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मुंबई का पार्ट दिखा दिया है. तो मुझे लगा कि आप कोई कुछ लोग हैं जिनको फर्स्ट टाइम मुंबई आना है और मुंबई में घूमना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा उनको भी हेल्प हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें माइंड में रखना जब आप बॉम्बे आओगे. तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला वीडियो चलो बना देते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बॉम्बे का व्लॉग ख़त्म हो गया और आएंगे गाइस. सो स्टे ट्यून. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो द पॉइंट नंबर वन इज़ हाउ टू रीच टू मुंबई. सो मुंबई आप बाई एयर भी पहुँच सकते हो, बाई ट्रेन एंड बाई रोड ट्रिप ऑल्सो. इफ़ यू आर नियर टू मुंबई सिटी सच लाइक गोवा, बैंगलोर, गुजरात, नासिक, पुणे. अगर आप रोड ट्रिप लवर हो आप बाई रोड भी आ सकते हो फ्रॉम एनी अदर सिटीज लाइक दिल्ली, मनाली. जैसे कि सपोज आपको दिल्ली से आना है फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स वन डे राइट. सो फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं. तो अगर आपको रोड ट्रिप से आ सकते हो तो आप मुंबई बाई दिल्ली से भी बाई रोड आ सकते हो, इंटेक कर सकते हो बॉम्बे. सो लेट्स गेट द पॉइंट नंबर टू, दैट इज प्लेसेस टू स्टे. सो देर आर प्लेंटीज ऑफ होटल्स फ्रॉम बजट टू लग्जरी लेवल होटल्स अकॉर्डिंग टू योर बजट गाइस. एंड द थर्ड पॉइंट इज आर देर रेस्टोरेंट्स अवेलेबल. सो there are multi cuisine restaurants available according to your taste and preferences. So the next point is places to explore in Mumbai. So ye wala point mein main aapko thoda jo bhi important places explore hai main aapko sab jo basic jo bhi matlab main point aap explore kar sakte ho to wo sab sightseeing point bata dunga. So let's get started with this point. So you can explore Gateway of India, which from there if you want to take a ferry ride towards Elephanta Caves, then you can definitely take a ride to Elephanta Caves, which will one way it will take one hour to one and a half hours one way, and if you take two ways then it will take you 3 hours total, overall 3 to 3.5 hours. And if you just want to just explore the ferry, you don't want to go to the Elephanta Caves, then I think so it takes 45 to 1 hour to just have a ferry ride. And another sightseeing point is Kolaba Causeway. It's just nearby to Gateway of India, walkable distance, which is really, really good for street shopping, as I showed you in my last vlog. And another is Nariman Point. जैसे कि आपने मेरे लास्ट वाले व्लॉग में भी देखा, लास्ट टू लास्ट व्लॉग में भी देखा, जो स्टोन्स वाले वो सब नरीमन पॉइंट है, जहाँ मैंने ओबराय होटल, ट्राइडेंट एंड एयर इंडिया बिल्डिंग्स का थोड़ा सा डेफिनेशन जो भी आप जा सकते हो. एंड जुहू बीच विच इज़ इन जुहू एरिया, एंड कैन हैव सम स्ट्रीट फूड सपोज लाइक पाव भाजी एंड सम चाट्स लाइक पानी पूरी, बेलपूरी, लॉट मोर. यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट गोलास ऑल्सो आउट देयर. तो सिद्धिविनायक टेम्पल भी जा सकते हो, विच इज़ द टेम्पल ऑफ लॉर्ड गणेशा, बांद्रा रिक्लेमेशन, हाजी अली दरगाह,
बांद्रा फोर्ट भी जा सकते हो, जहाँ से आपको अच्छा बांद्रा वर्ली सीलिंग दिखेगा, महालक्ष्मी टेम्पल एंड देर आर लॉट्स ऑफ मोर प्लेसेस। सो अगर आपके पास नंबर ऑफ नाइट्स ज़्यादा है तो मैं आपको अगले पॉइंट में बताता हूँ नंबर ऑफ नाइट्स के बारे में। तो ये सब प्लेस जो मेन चीज़ें मैं आपको ये वाला पॉइंट में बता दिया। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ नाइट्स रिक्वायर्ड टू स्पेंड इन मुंबई। सो द नंबर ऑफ नाइट्स रिक्वायर्ड टू स्पेंड इन मुंबई एटलीस्ट 3 नाइट्स, बिकॉज सो डे 1 विल बी योर रीचिंग डे एंड यू विल एक्सप्लोर नियर बाई योर प्लेसेस। सपोज इफ यू आर स्टेइंग, यू हैव अ होटल इन अंधेरी ईस्ट और वेस्ट, यू कैन डायरेक्टली गो टू जुहू बीच आफ्टर रेस्टिंग इन ड्यूरिंग इवनिंग, कैच इट एट एज ऑफ 3 to 4 o'clock विद इन द इवनिंग टाइम। You can go to Juhu Beach, you can enjoy the nice vibes of beaches in Mumbai, that is Juhu Beach. And the day 2 will be your full day sightseeing towards South Bombay. South Bombay in the sense like Nariman Point, Gateway of India, Elephanta Caves, we've told you about. At least half day will be invested on this. So if you go towards Bombay, then it's required to leave little early, 7-8 o'clock, because at 9 o'clock if you leave, then little traffic jam and traffic and all also be little rising up, so that it will be little late to reach to your destination. And that all will be your day 2 exploring of South Bombay, and day 3 will be your suppose if you go to Siddhivinayak Temple, Haji Ali Dargah and Mahalakshmi Temple. After completing all this, you will go towards Bandra. So these are the main basic itinerary which I told you about it in 3 nights. If you stay more, then there are suppose like Powai and many more places like Powai also, you can explore more of it. So another point is best time and best season to visit Bombay. So as per my personal experience, so the best time and best season to explore Mumbai is between in the mid of October to March, because starting of 15 days of October it will be little heat in morning, early morning also, and in late night also. But when you come after mid of October, the temperature literally comes down, falls down directly. So in the afternoon you might feel little hot when you explore outdoor sightseeing and all, but in the morning, early morning and in late evening, the weather feels really, really pleasant during these types of months. So the another point is documents required. So the documents, so for Indians, if you are traveling for Mumbai from any part of India, then you don't need much document to carry. You just need your any ID which is address proof, that is Aadhaar card, driving license, passport, election card or anything. And for another citizens who is coming as per your government guidelines, which is what your country allows to come towards India, visa on arrival or visa fee or something. So you can definitely see on our websites according to a government guidelines and all how to travel in Mumbai or modes of passport required to travel in Mumbai. So if you are in a very, very tight budget, suppose if you cannot spend more, you don't want to spend more, in Bombay you can get your auto rickshaws, BST bus and local train which you have heard, I guess. You can travel by train, because train is more budget to travel from any area of Mumbai toward that Mumbai. Suppose if you want to go to Gateway of India, and for example I'm saying, you either you can take a station as Churchgate station or CST station. From there you can, but you have to little suffer with the crowded, as you can see in this video, in this photographs, little crowded, so it will save your time and money also. So after reaching to Churchgate station or CST station, from there you can get a sharing cab towards Nariman Point of India, whichever you want to visit. So from there, from Gateway of India, suppose if you want to go to Nariman Point, then you can get from there also sharing cabs which will drop you to Nariman Point. And there are many sharing cabs available out of then 2 stations that will save your budgets also. If you can spend more, then you can
can like go by road also. Suppose Andheri, from Andheri or South Bombay also you can go. From that you can catch, enjoy the vibes of Link also while you go towards Gateway of India. Otherwise you can, if you're going traveling by train, and if you get done from there also you can get your personalized taxi, which is Kali Pili. So from there also you can go towards the Gateway of India and all. So that's it with today's video. I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to hit the like button, share this video, subscribe to my channel, and please press the bell icon. If you did not like this video, then you can hit the dislike button. And if you haven't followed me on my social media handles, do follow me on my social media handles. These are my IDs here. Stay happy, spread happiness, and do whatever makes you happy. Thank you so much for watching till here.